राम राजा क्या हो गया मेरे जान के सारे पार देखे साहब मुझे कुछ होश ही नहीं था साहब मैं सच बोल रहा हूँ दो दिन हो गए रमजन हो गए पता नहीं कितने आएगा सांपुर किस नादे से सारे पास से घुसा और क्या मिशन है तेरा बोल मैं मामूली आदमी हूँ साहब मैं मामूली आदमी मैं किसी मिशन पर नहीं आया साहब मेरे भक्त रब ने वास्ते मेरे भक्त हो साहब मेरे भक्त पुलिस में भी रिपोर्ट लिखा थी किसी लोग कोई अंदाजा ही नहीं है कि रविंदर गया कितने बोल नहीं तो इतना मारूंगा ना अपने खून को बैठने लायक भी नहीं बचेगा बोल रब ने साहब साहब रब ने साहब मैं तो जासूसी करने आया था साहब मैंने बात दो साहब पेट में मेरी बीवी मेरा बच्चा मेरी माँ मेरा इंतजार करती होगी मुझे मेरा मदर वापस जाना कौन था ये शख्स जिसका गुनाह कबूल कराने के लिए पड़ोसी मुल्क की पुलिस उसकी सहन शक्ति का इम्तिहान ले रही थी वहीं दूसरी ओर भारत में उसका परिवार उसके लौटने की राह देख रहा था दो दिन हो गए रमजन हो गए पता नहीं कितने आएगा नमस्कार सावधान पंजाब फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राज जैन आपका स्वागत करता हूं। हमारे देश की सरहद के नजदीक बसे गांव के लोगों का जीवन देश के अन्य लोगों की तरह सहज नहीं होता कभी कभी कुछ लोग गलती से सरहद पार चले जाते हैं और पड़ोसी मुल्क उन्हें शक की नजर से देखते हैं हमारी आज की कहानी भी इसी पर आधारित है जहां पंजाब का एक शख्स गलती से सरहद पार चला गया और पड़ोसी मुल्क की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया करीबन 5 साल की कैद के बाद जब उस पर कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ तो वहां की सरकार ने उसे रिहा कर दिया लेकिन इस दौरान उसकी दुनिया ही बदल चुकी थी उसके सामने कई ऐसी नई बातें आने वाली थी जिसका उसे अंदाजा नहीं था लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात कुछ और ही थी क्या थी वो बात आइए देखते हैं भी कौन है आप लोग ज्यादा होशियारी की ना तो जरी काट डालूंगा पकड़ इसको निकल चल 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 गाड़ी निकल चल भाईसा पकड़ अरे वाह चेन भी है चल पटवा निकल बटवाने बटवाने पंचमिल बटवाने 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 उसमें मेरी बीवी की फोटो है बाजी गा भाईसा चले ए चल रे जी कौन थे वो लोग और आपको क्यों मार रहे थे लुटेरे थे जी आजकल ये रास्ता बड़ा अनसेफ हो गया है जी अकेले आदमी को देख के लूटपाट की वारदात करते चलो जी मैं आपको थाने छोड़ देता हूँ आइए कल मैंने मेरे घर छोड़ा है जी कहाँ है आपका घर ये अगले वाले पिंड में मेरा घर ये आगे मैंने मेरे घर छोड़ दो आइए जी आइए बैठिए आइए आ जाओ बस बाजी बस मेरी जी हाँ मैंने हाँ। ये जी आ गए बाजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कोई गलती सत श्री अकाल
रविंदर? रविंदर नहीं आ रहा। रविंदर मेरे यार, तू इतने सालों से सरहद पार जेल में था, तू तो कैसे पहुंचा? इस सवाल का जवाब तो पिछले 5 सालों से मैं खुद ढूंढ रहा हूँ। जगह तू उस रात जब हम खेत में शराब पी रहे थे, तू मैं मंजीत, फिर हम सब अपने घर की ओर निकले। पता नहीं रास्ते में क्या हुआ, जब मेरी आंख खुली तो मैं सरहद पार था और वहां की मिलिट्री ने मुझे जेल में डाल दिया। पूरा पिंड तेरे आने की उम्मीद छोड़ चुका था, पर तेरे प्राण ने पिछले महीने तेरे आने की खबर सुनाई, तेरी चिट्ठी और तेरे रिहाई के बारे में पता है, तो हमें पता चला। क्या जगत में पिछले 5 सालों से हर महीने जेल से अपने घर वालों को चिट्ठी भेज रहा था? पर यारा, तेरा प्रा तो बोलता है कि तेरी एक ही चिट्ठी मिली, वो भी पिछले माह। चल छोड़, सारी बातें छोड़, तेरे बीबे का बड़ा बुरा हाल है, रो रो के तेरी आंस में बहुत आंसू बहाए उन्होंने। चल मैं तेरे पहले घर ले चलूं। चल रविंदर, हमें इन 5 सालों में सिर्फ तेरी एक चिट्ठी मिली, वो भी पिछले महीने, जिसमें तेरी रिहाई के बारे में लिखा हो। यार समझ नहीं आ रहा, वो सारी चिट्ठियां कहां रह गई? किरण और बिट्टू दिखाई नहीं दे रहे, कहां है वो दोनों? रविंदर मैं सच में हैरान हूं कि तेरी भेजी हुई चिट्ठी आखिर गई कहां, हमें क्यों नहीं मिली? मानो तेरी एक भी चिट्ठी मिल जाती ना तो ये सब। विजय फोन ना रुको, मैं आ गया हूं ना, और किरण भी मुझे देखने के लिए तरस रही होगी। बोलना कहां है वो, बोल। जी कोई मुझे किरण के बारे में कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? रविंदर तू थका होया होगा, जा जाके नहा ले और फिर साथ खाना खाते हैं। वीर जी मैं आपसे किरण और बिट्टू के बारे में पूछ रहा हूँ, और सब मेरी बात टाल क्यों रहे हैं? बीजी आखिर सच कब तक छुपाएंगे रविंदर से? आप सारी बात सच सच क्यों नहीं बता देती रविंदर को? कैसा सच पड़ जाए जी? Thank you.
इंतजार क्यों नहीं की? फुलकिरण, जवाब दे, मैं तूने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? इंतजार? दो साल मैंने किया तेरा इंतजार, तू कहाँ है, किस हाल में है? हर पल से मुझे यही फिक्र रहती थी, लेकिन तेरी कोई खबर नहीं। बिट्टू बड़ा हो रहा था, उसके भले के लिए मम्मी जी ने मैंने ब्याह करने के लिए मनाया, तो इन सब में मेरी क्या गलती थी? जेल में ना एक दिन ऐसा नहीं किया जिसमें तुम्हें याद नहीं किया, बिट्टू को याद नहीं किया। हर महीने चिट्ठियां लिखी मैंने तुमको। चिट्ठी? राप्ती सौ रविंद्र, मैंने तेरी कोई चिट्ठी नहीं मिली। जानता हूं, पता नहीं रब ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे संदेश से तुझ तक नहीं पहुंचे, और जब मैं खुद यहां तक पहुंचा तो ये सब नसीब में ही ये सब है। जो बीता बहुत बुरा बीता, लेकिन हम अब अपने अतीत को नहीं बदल सकते, और ना ही आज के इस कड़वे सच को। मैं अब मंजीत की बीवी हूं। तू चले जा यहां से, तू बस चले जा रविंदर, तू चले जा यहां से। मेरा पुत्र, मेरा बिट्टू, मेरे बिट्टू में मेरा कोई हक नहीं? क्या चाहता है तू? वो भी वही जहर पिए जो हमने पिया है? उस नन्ही सी जान की जिंदगी भी सवालों से घिर जाए जिस तरह हमारी घिरी हुई है? वो मासूम तो ये भी नहीं चाहता कि उसके पापा वो मंजीत को ही अपना पापा समझता है, और यही सच है। रविंदर, तू? रविंदर कहां था तू यार? कितने सालों बाद तुझे गणेश लगाया मैंने यारा। कैसा है तू? कहां था तू? मंजीत, मुझे चलना चाहिए, लेकिन बात नहीं है तू? अरे चोट लगी है तनु यार। चल ठीक हूं मैं, चल घर चल, तुझे मेरी कसम, चल उठ, उठ जा मेरे भाई।
पुत्र ये मेरा सबसे पुराना यार है रविंदर। मैं चलना चाहिए। रविंद्र यार तू जाने लायक है नहीं, तू आज रात यहीं रुक जा। मंजीत मैनू मेरा हाल पे छोड़ दे। देख यार मैं तेरी हिचकिचाहट समझ रहा हूँ यार, लेकिन तुझे अपनी दोस्ती का वास्ता यार आज रात रुक जा, कल मैं तुझे खुद छोड़ के आऊंगा तेरे घर। बर्थडे पे दिया था, इसकी नॉलेज कितनी प्यारी है अंकल। अंकल अरे किरण खाओ देना जरा। अंकल आपके मम्मी पापा का सीक्रेट बताओ, जो भी मम्मी पापा टावर देने जाती है ना। बिट्टू अंदर जाके अपना होमवर्क करो, सारा दिन खेलते रहते हो, जाओ अंदर। जी वो पकौड़े लाई थी। लो जी भाई गर्मा गर्म पकौड़े भी आ गए, लाओ जी। आय शाबाश। बिट्टू सो गया? जी सो गया। अरे वाह, चल भाई पहले चीयर्स करते हैं। चलो जी चीयर्स। ये रहे गर्मा गर्म पकौड़े। सुनिए सादा मत पीना। अरे यार अभी तो पीना शुरू भी नहीं किया, तू टेंशन मत ले। ओ यार आया मेरा आज, आज तो रज के पियेंगे लेकिन लिमिट में पियेंगे, तू टेंशन मत ले, जाके सो जा। सुनिए वो कुछ लग गया वो। हाँ कहाँ पर? कहाँ लगा यार? थोड़ा ऊपर, ये यहाँ पर। हट गया ना? हाँ। वो चल ठीक है, अब जाके सो जा, जल्दी आएगा। हाँ मैं। और वो? नहीं होगी ज्यादा। बड़े दिनों के बाद मिली है ये दारू। मजा आ गया यार। रविंदर यार अपनी यारी दिसो, मैंने जो कुछ भी किया ना वो किरण और बिट्टू की भलाई की सोच के किया यार। ए, तुम मेरे को गलत मत समझो यार। हाँ यार है तू मेरा रविंदर भाई, जो होना था हो गया, अब जो हो गया तो हो गया यार। लेकिन भाई तेरी मेरी दोस्ती पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, क्या सोच रहा है मेरे भाई? यार आज का कोटा भी तो खत्म हो गया। चल भाई कल के सो जाते हैं, कल इत्मीनान से बात करेंगे।
तू ही तो संभालता है मैनू यार। चलो यार तू मेरे को पता यार, जब तू वहां था तो मेरे को याद करता था ना, मुझे पता है तू मुझे याद करता होगा यार, मैं तुझे बहुत याद करता था यार। ओए रविंदर, ओए यारा, मुझे माफ कर दे यार, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया यार, जो कुछ किया सब तेरे भला के लिए किया यार। रविंदर तू जाके सो जा, आराम कर, बहुत रात हो गई। तू भी सो गई, सोते हुए कितनी सोनी लगती है तू। क्या हुआ? ओए किरण, क्या हुआ? अरे यार ना, क्या हुआ? जो हो गया वो बदला नहीं जा सकता, अब तू आगे की सोच। तू फिक्र न कर पुत्र, तेरा दूजा ब्याह करा देंगे। अब तू फिलहाल बिजी रहने की सोच, अपना जमा जमाया कारोबार है, कल से तू काम पे मेरे साथ चल। अरे रविंदर सुन तो, गाँव तो सुन मेरी मनो, अभी उसको कुछ मत कहो, जो इस हालत विच नहीं है कि कोई काम कर पाए। अगर मेरी चिट्ठी घर पहुंच जाती तो मैं किरण को कभी ना खोता, किरण सरकार से मिलके मुझे रिहा करवा सकती थी, ऐसा होया नहीं, जिंदगी नरक बन के रह गई। रविंदर तेरे साथ बहुत बुरा हुआ यार, बहुत बुरा। किरण भाभी मंजीत की हो गई, तेरा बच्चा तुझसे छिन गया, तेरा जमा जमाया कारोबार तेरे वीर जी के पास चला गया, सिर्फ वो चिट्ठी ना मिलने के कारण। अगर वो चिट्ठी मिल जाती ना, इतना बुरा नहीं होता। मेरे खिलाफ किसी ने कोई साजिश तो नहीं की है? मैनू मालूम करना होगा आखिर मेरी चिट्ठियां ना पहुंचने का कारण क्या था। अपने वतन वापस लौटने के बाद भी रविंद्र का दुख कम नहीं हुआ था, सरहद पार जेल में अपने बच्चे अपनी पत्नी से दूर रहने के दुख से कहीं ज्यादा दुख आज उसे इस बात का था कि उनके इतने नजदीक रहते हुए भी वो उनसे दूर था। जो जिंदगी उसकी थी आज कोई और जी रहा था। रविंद्र की इस हालत का जिम्मेदार कौन था? आखिर रविंद्र की भेजी हुई चिट्ठियां उसके परिवार तक क्यों नहीं पहुंची थी? रविंद्र को अपनी मुसीबतों से उबरने की राह तो नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन वो कोशिश करके उस वजह तक जरूर पहुंचना चाहता था जिसने उसका सुख चैन, उसकी खुशी, उसका सब कुछ छीन लिया था। क्या वो अपनी इन कोशिशों में कामयाब हो पाएगा? मेरा नाम रविंदर सिंह है। हाँ सुना है मैंने आपके बारे में, आप 5 साल के बाद पड़ोसी मुल्क से रिहा हो क्या है ना? पहले मेरी गर्ल सुन, पिछले 5 साल से हर महीने में 2-3 चिट्ठियां अपने पिंड भेजता था, अपनी बीवी किरण और मां अमरिंदर के नाम, आज तक एक भी चिट्ठी वहां तक नहीं पहुंची, क्यों? लेकिन मेरी पोस्टिंग 1 महीने पहले यहाँ हुई है और इस 1 महीने में जो चिट्ठी आई थी
मैंने खुद अपने हाथों से जाके आपके भाई के हाथ में दी थी। तेरे से पहले कौन था पोस्टमैन? जी पोस्टमैन मदन जी, अब रिटायर हो गए, यहीं पास के गांव में रहते हैं। वो पोस्टमैन मदन जी पिछले महीने रिटायर हुए, यहीं रहते हैं? जी हाँ, पापा जी मेरे। बुलाओ उनको बाहर, बात करनी मुझे उनसे। वो तो शहर गए हैं जी, कुछ काम था तो कल तक आएंगे। मोबाइल नंबर दे मुझे उनका। वो क्या था कि वो जल्दी में थे तो मोबाइल भी घर पे छोड़ के चले गए। कुछ काम था? सर हम कल सुबह फिर आते हैं ना। अच्छा तो फिर उस पुराने पोस्टमैन के पास गया, क्या नाम बताया? मदन। ये बताया सुने? गया था पर वो मिला नहीं, शहर गया हुआ था। कल सुबह जाके मिलूंगा उससे। वीर जी कोई तो है जिसने मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की है, बस अब देखना यह है कि इसमें पोस्टमैन मदन का क्या रोल है। मुझे यकीन है वीर जी कि मैं पोस्टमैन मदन के जरिए सच्चाई जरूर मालूम कर लूंगा। मेरी जिंदगी बर्बाद करण वालों में छोड़ूंगा नहीं। ले आओ ले आओ, आराम से ले जाना। मदन जी की बॉडी को देखकर लगता है कि इनकी मौत कोई जहरीली चीज खाने पीने से हुई है। जब वो सुबह आए तो क्या उन्होंने शराब पी रखी थी? अब सच क्या है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। मैं मदन जी से बात तक नहीं कर सका। वीर जी मुझे मेरी चिट्ठियां ना पहुंचने का सच जानना है, प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। छोटे बाबू ये रविंदर सिंह है, सस्वी खान, और ये हमारा डाक खाने के छोटे बाबू। मैंने आपके बारे में इनसे बात की थी। मैं खुद आपकी चिट्ठियों पे ठप्पा मार के पोस्टमैन मदन को देता था। मैंने खुद नहीं पता आखिर वो चिट्ठियां तुम्हारे घर तक क्यों नहीं पहुंची। मेरी पोस्टमैन मदन की अचानक हुई मौत रविंद्र के साथ हो रही साजिशों की संभावनाओं को और भी पुख्ता कर रही थी। कोई था जो ये चाहता था कि रविंद्र पोस्टमैन मदन से ना मिले और उसकी भेजी हुई चिट्ठियों का राज जानने की कोशिश ना करे। ये हादसा रविंद्र के मन में कई सवाल खड़े कर रहा था जिसका जवाब ढूंढना अब उसकी जिंदगी का मकसद बन गया था। क्या रविंद्र को गुनहगार का पता चल पाएगा? चिट्ठियां डाक खाने में आती थी, वहां से ठप्पा लगकर पोस्टमैन मदन के हाथ में भी जाती थी लेकिन मेरे घर नहीं पहुंचती थी। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अरे इस गड़बड़ का जवाब देने वाला मदन ही नहीं बचा। मदन जी की बॉडी को देखकर लगता है कि इनकी मौत कोई जहरीली चीज खाने पीने से हुई है। जब वो सुबह आए तो क्या उन्होंने शराब पी रखी थी? पुलिस की बातों से लग रहा था कि उस पोस्टमैन मदन की मौत हत्या भी हो सकती है। आखिर कौन है जो ये सब कर रहा है? ओए रविंदर यारा, अगर ये हत्या है ना तो हत्यारे को मालूम था कि वो मदन से इन चिट्ठियां ना पहुंचने का राज जानना चाहते। एक बात बता, तूने ये मदन के बारे में और किस किस को बताया? इस बारे में मैंने अपने वीर जी, परजाई जी, बेबे, यार सबको मालूम था। सबको यानी और किस किस को? फोन पर मैंने इस बारे में किरण को बताया था, तभी मंजीत से भी बात हुई थी।
मंजीत, कहीं ये सब मंजीत ने तो नहीं किया? मंजीत है? मंजीत कितने? मंजीत और रविंदर? तूने मेरी बीवी, मेरा बच्चा मुझसे छीन लिए, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो मंजीत को। क्या कर रहा यार, पागल हो गया क्या? तूने ये अच्छा नहीं किया, तूने मेरी चिट्ठियां किरण तक नहीं पहुंचने दी, और जब तुझे पता चला कि पोस्टमैन से मिलके मैं सब कुछ सच्चाई जान जाऊंगा तो तूने उससे भी मार डाला। पागल हो गया तू? मैंने कुछ नहीं किया, किसी का कुछ नहीं किया। अरे गलतफहमी हो गई है तुझे, गलतफहमी तुझे हुई है। मुझे शुरू से पता था कि तुझे किरण पसंद है, और जब किरण मुझे मिल गई तो तूने ये साजिश रची। और चाहते हो मंजीत ने मुझसे क्या कहा? उसने कहा कि हमसे अनजाने में भूल हो गई है। मंजीत ने कहा कि मैं तेरे नाल दोबारा ब्याह कर लूं, लेकिन लेकिन बिट्टू को उसके पास छोड़ दूं, क्योंकि बिट्टू अब मंजीत को अपना पापा कहता है। और तुम की मंजीत ने हमेशा तेरा भला सोचा, हमारा भला सोचा, और एक तू है कि बिना सोचे समझे उसके ऊपर आरोप पे आरोप लगा रहे, उसे मार रहे। रविंदर शर्म आनी चाहिए तुझे, शर्म आनी चाहिए तुझे। रविंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि पोस्टमैन को किसी ने जहर देके मारा है, और पुलिस को शक है कि किसी ने उसे जबरदस्ती जहरीली शराब पिलाई है। यार मैंने बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि कौन है जो मेरे साथ गलत कर रहा है। अगर ये मंजीत नहीं है तो कौन हो सकता है? मंजीत नहीं तो कोई ऐसा शख्स है जिसे तेरे पिंड से गायब होने का सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाओ। तो क्या कह रहा है, साफ साफ बोल। देखिए रविंदर, बुरा मत मानियो, पूरा पिंड जानता है कि तेरे गायब होने का सबसे ज्यादा फायदा तेरे वीर जी को पहुंचा, तेरे जमे जमाए कारोबार के अकेले मालिक बन गए। और तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? वीर जी ऐसा करेंगे? मैं नहीं मानता। रविंदर देख, मैं जानता हूँ कि तेरी फीलिंग्स हर्ट हो रही है, पर तू खुद समझ, ये जमीन जायदाद पैसा ये बड़ी कुत्ती चीज होती है, ये भाई भाई का सगा नहीं होता है, दुश्मन बन जाता है। और नहीं, मैं अपने वीर जी पे ऐसा गंदा आरोप नहीं लगा सकता, मेरे वीर जी ऐसा नहीं कर सकते यार। अरे रविंदर, तुझे आरोप लगाने के लिए कौन बोल रहा है? लेकिन तू ये तो पता लगा सकता है, तेरी इस हालत के जिम्मेदार तेरी वीर जी तो नहीं? क्या पोस्टमैन का मर्डर हो गया? हाँ वीर जी, मैंने लगता है जिस किसी ने भी उसे मारा है वो ये जान चुका था कि पोस्टमैन के जरिए मैं अपनी चिट्ठियां ना पहुंचने का सच जान सकता हूँ। तनु किसी पे शक है? अभी तक तो नहीं वीर जी, पर बहुत जल्द मैंने उसका पता चलने वाला है। पर कैसे? पोस्टमैन का बेटा हरी, उसने अपने पापा जी को कई बार कोई एक आदमी से पैसे लेते हुए देखा है, पर मुश्किल यह है कि वो उस आदमी को सिर्फ चेहरे से जानता है। उसने ऐसा बोला तेरे से? हाँ, कल सुबह अपने पिताजी की अस्थियां विसर्जित करके पिंड आ रहा है, मैं उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने की रिक्वेस्ट करूंगा, और मुझे यकीन है कि वो मान भी जाएगा, क्योंकि हो ना हो उसी आदमी ने उसके पापा जी का भी कत्ल किया है। कितने बजे आ रहा है? कल सुबह 10 बजे की बस से उतरेगा हाईवे पर। हरी डर मत, हम तेरे आसपास ही रहेंगे, कोई तेरे को हाथ नहीं लगा सकता। रब दी सौ, मैं उसे पहले ही पकड़ लूंगा। मैं बड़ा डर लगता है, अपने पापा जी के कातिलों को पकड़वाना है ना जी। पाजी तो शेरिया, वाहे गुरु दा नाम ले और आगे बढ़ना शुरू कर। We'll be right back.
रविंदर यार, कहीं वीर जी को हमारे प्लान के बारे में तो पता नहीं चल गया? हो सकता है। ओए तू बता, क्या बोले वीर जी तेरे से? वो बोले, ओए पोस्टमैन मदन जी का पुत्र है ना? जी। तू रविंदर से मिलकर कुछ बताने वाला है ना? कौन है वो आदमी जो तेरे पापा जी ने पैसे देंदा था? ओ जी मैंने नहीं पता जी, पता नहीं था। मैं नहीं जानता। फिर मैं उन्होंने टालते हुए बोला कि मैंने घर जाना है, बेबे बीमार है। उसके बाद वो कुछ नहीं पूछा सी और चले गए। वीर जी नहीं तो कौन हो सकता है? हेलो किरण, मैं रविंदर। किरण मैंने पता है कि मंजीत पर शक करके मैंने बहुत बड़ी भूल की है। मैंने अपने केस पे बहुत पछतावा है, पर पहले मुझे उस आदमी तक पहुंचना है जिसने मेरी ये हालत कर दी। कौन है वो? पोस्टमैन के बेटे हरि के पास उसका क्लू है। पोस्टमैन की एक डायरी है जिसमें वो अपने पैसों का हिसाब लिखता था जो उसे चिट्ठी ना पहुंचाने के बदले मिलते थे। उस डायरी में उस आदमी का नाम और नंबर भी है। हरि बोल रहा था कि आज रात वो मुझे वो डायरी देगा। अच्छा किरण, रखता हूँ। अपना और बिट्टू का ख्याल रखना। पकड़ उसको। मजीद तू धोखेबाज, इसका मतलब मैंने जो पहले सोचा था वही सही निकला। बोल क्यों किया तूने ऐसा? बोल क्यों किया ऐसा तूने? छोड़ छोड़, इसे चलो। बताता हूँ, बताता हूँ। उस रात जब हम तीनों बैठकर शराब पी रहे थे तो मेरे मन में बस एक ही बात चल रही थी, किस तरह तुझे किरण से दूर कर दूं जिससे कि वो हमेशा के लिए मेरी हो जाए। पटियाला रेड्डी है चल भाई, घर चलते हैं। ओए रविंदर, ओए ओए तू कहाँ जा रहा है? घर इधर है भाई, हाथ ना चल भाई। मेरे घर का रास्ता आ गया रे। तू जा, मैं इसको घर छोड़ दूंगा। ओके पकड़ से। हाँ सर। इसे शराब के बाहर छोड़ देना। ठीक है, मैं जाता था। वहां तू पकड़ा जाएगा तो चिट्ठी के जरिए अपने घर वालों को अपनी खबर देने की कोशिश करेगा। इसीलिए मैंने पोस्टमैन मदन को चिट्ठियों के बदले रिश्वत देनी शुरू कर दी। एक चिट्ठी और 500 रुपए। मैं जानता था जब तू रिहा होकर आएगा तो अपनी उन चिट्ठियों का राज जानने की कोशिश करेगा। इसीलिए मैंने पोस्टमैन मदन को जहरीली शराब पिलाकर मार डाला। तूने ऐसा क्यों किया? छोड़ो से। इसे मार कर अपना हाथ गंदा मत करो, इस जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। चल ले चलो इसे, चलो अंदर जीप पे। हेलो किरण। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद चुनते हैं और जिसकी नींव भरोसे पर टिकी होती है, पर जब ये भरोसा विश्वासघात बनकर हमारे सामने आता है तब सिर्फ एक रिश्ता ही नहीं बल्कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाती है। मंजीत ने अपने गलत इरादों के लिए अपने जिगरी दोस्त की जिंदगी के 5 साल नरक में झोंक दिए और फिर सहानुभूति के बल पर रविंद्र की बीवी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, एक बच्चे को अपने पिता से दूर कर दिया। और इतना ही नहीं, उसने पोस्टमास्टर मदन को पहले अपनी साजिशों का हिस्सा बनाया और फिर अपने स्वार्थ के लिए उसकी जान ली। मंजीत को पोस्टमास्टर मदन की हत्या करने के लिए आईपीसी धारा 302, मंजीत के साथ धोखा करने के लिए धारा 420 और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए धारा 120B के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। रविंद्र की ईमानदारी और सच्चाई ने लाख मुसीबतों के बावजूद उसे झुकने नहीं दिया। उसने अपना खोया हुआ मान और सम्मान तो वापस पाया है, साथ ही खुले दिल से उसने अपनी बीवी और बच्चे को अपनी जिंदगी में स्वीकार किया।
पंजाब के क्रिमिनल्स को कानून के हवाले करने के लिए हम सभी पंजाब वासियों को एकजुट होना होगा, ताकि पंजाब एक क्राइम फ्री स्टेट बन सके। और ये सब हमें अभी करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूं। पंजाब में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान पंजाब, फाइट बैक नाउ। तो सावधान।